क्या आप भी एलियंस में विश्वास करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि अंतरिक्ष में कोई और भी है जो हम जैसा हो सकता है? क्या आपको भी लगता है कि जो यूएफओ की खबरें आती हैं वो सच होती हैं? क्या आपको भी लगता है कि यूएफओ सच में होते हैं? तो आप गलत नहीं हो सकते, क्योंकि एलियंस को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें एलियंस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यूएफओ को लेकर सीआईए का खुलासा, धरती पर यूएफओ हुआ था क्रैश, 1945 में दिखने लगे थे यूएफओ। दरअसल अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि एक यूएफओ क्रैश हुआ था और उसके अंदर एलियन की बॉडीज मिली थी। एफबीआई की फाइलों के दस्तावेजों में यूएफओ देखे जाने उनके 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने और फिर दुर्घटनाग्रस्त होने की कहानियां हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक बार फिर से एलियन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। एफबीआई के दस्तावेजों में आसमान में रहस्यमय वस्तुएं देखने के बारे में बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कैसे 1940 के दशक में यूएफओ देखे जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी। अमेरिका की इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि हाल ही के दशकों में यूएफओ को देखने की घटनाएं बढ़ी हैं। इस रिपोर्ट में ये भी खुलासा किया गया है कि इन विमानों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है जितनी आज की हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी नहीं होती। इतना ही नहीं, आसमान में अजीब विमान कथित तौर पर हाइपरसोनिक गति यानी कि 27,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हुए दिखाई पड़े थे। इस दौरान एक बार दुर्घटना भी हुई थी जिसमें कोई भी जीवित नहीं बचा था। दावा किया गया था कि 3 शव मिले थे जो कि एलियंस के थे। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि आखिरकार एलियन कैसे थे जो हम सब कयास लगाते हैं। लगभग रिपोर्ट यही बताती है कि एलियन भी वैसे ही थे। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि मानव आकार के 3 लोग थे जो केवल 3 फीट लंबे थे। उन्होंने बहुत महीन बनावट के मेटल के कपड़े पहन रखे थे। दस्तावेजों में 1-2 बल्कि दर्जनों बार एलियंस देखे जाने की बात कही गई है। पेंटागन की रिपोर्ट में यूएफओ का दावा, आसमान में दिखी हैं अज्ञात वस्तुएं। 2019 में यूएस युद्धपोत को यूएफओ ने घेरा। दरअसल रिपोर्ट जून की उस रिपोर्ट के बाद सामने आई है जब जून में पेंटागन ने एलियन और यूएफओ को लेकर दावा किया था कि कुछ अज्ञात वस्तुएं थी जिन्हें एलियन की उड़न तस्तरी समझा गया। रिपोर्ट के अनुसार अजीब दृश्य दशकों से देखे जा रहे हैं और एफबीआई इन विचित्र वस्तुओं की जांच कर रहा है। 1947 में पूरे अमेरिका में सैकड़ों यूएफओ को देखने की घटनाएं सामने आई थी। उसी वर्ष प्रसिद्ध रोसवेल हादसा हुआ था, लेकिन अमेरिका सेना ने तब एक यूएफओ के दावों का खंडन कर दिया था। दरअसल इस साल ही अमेरिका से एक रिपोर्ट भी सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि अमेरिका नेवी के रडार पर एक साथ कई यूएफओ दिखाई पड़े थे। अमेरिकी नेवी ने कहा है कि 2019 में एयरक्राफ्ट यूएसएस अमोवा को 14 एलियंस के विमानों ने घेर लिया था। यूएस नेवी ने पहली बार माना है कि यूएफओ ने न सिर्फ एयरक्राफ्ट विमान को घेर लिया था बल्कि रडार में भी सभी 14 यूएफओ के संकेत साफ मिल रहे थे। यूएस नेवी ने जब खुलासा किया तब अमेरिकी वायुसेना ने भी खुलासा कर दिया कि उसके विमान को यूएफओ ने आसमान में रोक दिया था और यूएफओ के खिलाफ वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो यूएफओ हैं, एलियंस हैं या नहीं है ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन अमेरिका के जो नए दस्तावेज सामने आए हैं उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है।